हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लांट कम्युनिटी। व्हाट इज प्लांट कम्युनिटी और बायोटिक कम्युनिटी? एक कम्युनिटी इज ए लोकल एसोसिएशन ऑफ सेवरल पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इट इज टेक्निकली कॉल्ड ऑफन रिफर्ड टू एज ए बायोटा और ए बायोटिक कम्युनिटी। एक कम्युनिटी जो होती है वो सेवरल पॉपुलेशंस की डिफरेंट स्पीसीज के लोकल एसोसिएशन होता है, जिसे हम टेक्निकली बायोटा या फिर बायोटिक कम्युनिटी कह सकते हैं। व्हेन टेरेस्ट्रियल रेंजेज ऑफ सेवरल स्पीसीज ओवरलैप पॉपुलेशंस ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज में को एग्जिस्ट विद इन ए गिवेन लिमिटेड एरिया, द ऑर्गेनिजम्स इन सच एन एरिया रिप्रेजेंट ए कम्युनिटी। ए कम्युनिटी ऑलवेज कंटेन्स प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स बिकॉज बोथ आर वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कम्युनिटी। जब टेरेस्ट्रियल रेंजेज में सेवरल स्पीसीज जो हैं पॉपुलेशंस की डिफरेंट स्पीसीज जब एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं तो वहाँ पर लिमिटेड एरिया में जो है जो एक डिफरेंट सेवरल पॉपुलेशंस की कुछ स्पीसीज जो है वहाँ पर सर्वाइव करती हैं तो उन्हें कहते हैं कम्युनिटी। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एरिया में जो रिप्रेजेंट होते हैं वो उस कम्युनिटी को डोमिनेट करते हैं, और ये कम्युनिटी जो होती है प्लांट्स वहाँ पर रहने वाले उस एरिया में रहने वाले प्लांट्स एनिमल्स दोनों का ही होना आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी को सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही का इंटरेक्शन वहाँ पर आवश्यक होता है। दस देयर एग्जिस्ट इन नेचर एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, बिटवीन प्लांट एंड प्लांट्स, बिटवीन एनिमल्स एंड एनिमल्स एंड बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड द बायोटिक कम्युनिटी इज द नेट रिजल्ट ऑफ सच इंटरेक्शंस। किसी भी कम्युनिटी को एग्जिस्ट करने के लिए वहाँ पर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एनिमल्स इन सभी ऑर्गेनिजम्स के बीच जो इंटरेक्शन होता है और ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है वो और प्लांट्स और प्लांट्स के बीच में, एनिमल्स एंड एनिमल्स के बीच में, एनिमल्स एंड प्लांट्स के बीच में, और एनिमल्स एंड प्लांट्स का माइक्रोब्स के साथ, प्लांट्स का एनिमल्स का माइक्रोब के साथ, इन सब का इंटरेक्शन जो होता है ये बायोटिक कम्युनिटी के इनके इंटरेक्शन के थ्रू जो होता है एक बायोटिक कम्युनिटी कंसिस्ट होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो सकता है, कैसे किसी कम्युनिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं या उसकी स्टेबिलिटी को बता सकते हैं? तो कम्युनिटी को, किसी भी कम्युनिटी को स्टेबल होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होना आवश्यक होगा। द कम्युनिटी हैज़ इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक विच आर नॉट सोन बाई इट्स इंडिविजुअल स्पीसीज। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलो। किसी भी कम्युनिटी को स्टेबल होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक आवश्यक है जो कि किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज के थ्रू नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले सेवरल प्लांट्स या सेवरल पॉपुलेशंस की डिफरेंट स्पीसीज का एक साथ होना, उनका इंटरेक्शन होना आवश्यक होता है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी कम्युनिटी का वो है स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी डिफरेंट टाइप के स्पीसीज, डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशंस वहाँ पर होनी चाहिए, तभी एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो पाता है। ईच कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्लांट एनिमल्स माइक्रोब्स विच डिफर टैक्सोनॉमिकली फ्रॉम ईच अदर। ये सभी तरह के जो कम्युनिटी में स्पीसीज होती हैं प्लांट्स एनिमल्स माइक्रोब्स,
इन सभी के इंट्रैक्शन के थ्रू ही जो होता है कम्युनिटी फॉर्म होती है। एग्जिस्ट करने के लिए कम्युनिटी के लिए इनके बीच में स्पीसीज डाइवर्सिटी का होना बहुत ही आवश्यक होता है। द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन अबंडेंस, यानी कि टेक्सोनॉमिकली वहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स सभी में स्पीसीज डाइवर्सिटी का होना आवश्यक होता है, जो यहाँ का एरिया कवर करते हैं, एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। इन कम्युनिटी आल्सो वेरी ग्रेटली वेरी, वहाँ पर जो भी कम्युनिटी होती है, जो भी कम्युनिटी होनी चाहिए, वो जो है एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होनी चाहिए, ग्रेटली वेरिएशन उसमें बहुत अधिक होना चाहिए। देयर आर टू लेवल्स ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, दो तरह की स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ होल नेशंस और पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स विद इन विच मैनी डिफरेंट कम्युनिटी एग्जिस्ट। रीजनल डाइवर्सिटी जहाँ पर कि होल नेशन में, पूरे नेशन में और पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स के वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, तो इसे कहते हैं रीजनल डाइवर्सिटी। सेकेंड होती है लोकल डाइवर्सिटी। लोकल डाइवर्सिटी इन ए गिवन नेशन वेयर डिफरेंट कम्युनिटी एग्जिस्ट एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। जो लोकल डाइवर्सिटी होती है, एक ही कंट्री के डिफरेंट कम्युनिटी डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर, यानी कि डिफरेंट ऊंचाइयों पर वहाँ पर जो कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, उसे कहते हैं लोकल डाइवर्सिटी। पहला करेक्टरिस्टिक फीचर है स्पीसीज डाइवर्सिटी, और दूसरा फीचर है ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। किसी भी ग्रोथ फॉर्म, क्या होता है ग्रोथ फॉर्म? कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ मेजर ग्रोथ फॉर्म। ग्रोथ फॉर्म मतलब कि जो भी ग्रोथ फॉर्म है उसमें ट्रीज, उनकी अलग अलग ग्रोथ को शो करना, जैसे ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, ग्रासेस हैं, इन सभी की ग्रोथ फॉर्म अलग अलग होता है। कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ मेजर ग्रोथ फॉर्म्स एज ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, मॉसेस एक्सेट्रा। इन ईच ग्रोथ फॉर्म एज इन ट्रीज देयर मे बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एज ब्रॉड लिप ट्रीज, एवरग्रीन ट्रीज एक्सेट्रा। कम्युनिटी में ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है, ये वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, ये स्ट्रेटिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है इनमें ग्रोथ फॉर्म को शो करता है, और ग्रोथ फॉर्म के उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही उनका ग्रोथ फॉर्म डिटरमाइन होता है। तो कम्युनिटी जो होती है कंसिस्ट होती है जहाँ पर ट्रीज का ग्रोथ फॉर्म, श्रब्स का ग्रोथ फॉर्म, हर्म का ग्रोथ फॉर्म, मॉसेस की ग्रोथ फॉर्म, इन सभी के अलग अलग ग्रोथ फॉर्म होते हैं, और ये स्ट्रेटिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ईच ग्रोथ फॉर्म जो होता है, जैसे कुछ डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स होते हैं जो बहुत चौड़ी पत्तियों वाले होते हैं, ट्रीज होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज होते हैं जो एकदम सदाबहार रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। दीज डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ कम्युनिटी। ये जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स का ग्रोथ फॉर्म होता है, यानी कुछ हर्बेसियस होते हैं, हर्ब होते हैं, कुछ श्रब्स टाइप के होते हैं, कुछ ट्रीज टाइप के होते हैं, ये एक एक लेयर फॉर्म करते हैं। तो ये लेयर जो होते हैं स्ट्रक्चरल पैटर्न कम्युनिटी का फॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस ग्रोथ फॉर्म द कम्युनिटीज, सो जोनेशन मीन्स हॉरिजॉन्टल लेयरिंग एज वेल एज स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स वर्टिकल लेयरिंग, यानी कि इनके ग्रोथ फॉर्म के अकॉर्डिंग जो होता है मोड ऑफ अरेंजमेंट जो होता है कम्युनिटी का, दो तरह का लेयर शो करता है, जोनेशन लेयर जिसको कि हॉरिजॉन्टल लेयरिंग कहते हैं, दूसरा होता है स्ट्रेटिफिकेशन जिसे हम वर्टिकल लेयरिंग कहते हैं। तो इस तरीके से किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी उसमें एग्जिस्ट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर में स्पीसीज डाइवर्सिटी का होना आवश्यक है, और दूसरी चीज़ है कि उनका वहाँ पर जो ग्रोथ फॉर्म होता है अलग अलग प्लांट्स या अलग अलग पॉपुलेशंस जो
पॉपुलेशन वहाँ पर पाई जाती है, उनके डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो अलग अलग तरह की ग्रोथ फॉर्म होते हैं वो इस कम्युनिटी का जो होता है, कम्युनिटी का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जैसे जोन्स बनाते हैं, हॉरिजॉन्टली लेयर बनाते हैं या फिर वर्टिकल लेयरिंग यानी स्ट्रेटिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। थर्ड करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है डोमिनेंस। डोमिनेंस, देयर आर ओनली ए फ्यू स्पीसीज विच डिटरमाइन द नेचर ऑफ द कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी में कोई एक स्पीसीज जो होती है, कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो वहाँ के कम्युनिटी के नेचर को डिटरमाइन करती हैं। दीज फ्यू स्पीसीज एग्जर्ट ए मेजर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ऑन द कम्युनिटी, सच स्पीसीज आर नोन एज डोमिनेंट। जो किसी भी कम्युनिटी में वहाँ पर कुछ स्पीसीज जो होती हैं उस कम्युनिटी को पूरी तरह से गवर्न करती हैं या उसके नेचर को जो है कुछ स्पीसीज डिटरमाइन करती हैं, तो वो इस तरह की स्पीसीज जो होती हैं उस वहाँ पर उस कम्युनिटी को कंट्रोलिंग पावर, इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, उस कम्युनिटी को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं, कंट्रोल करने का पावर रखती हैं, और ऐसी स्पीसीज जो हैं डोमिनेंट स्पीसीज उस कम्युनिटी की कहलाती हैं। वो कम्युनिटी जो है उसी डोमिनेंट स्पीसीज के नाम से जानी जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉरेस्ट में ट्रीज जो होते हैं वहाँ के डोमिनेंट स्पीसीज होती हैं, हर्ब एंड श्रब वहाँ पर लेयरिंग बनाते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सक्सेशन। ईच कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक में फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सक्सेशन। सक्सेशन, ईच कम्युनिटी हैज़ इट्स ऑन डेवलपमेंटल हिस्ट्री, इट डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ ए डायरेक्शनल चेंज इन इट विद टाइम। दिस डायरेक्शनल चेंज इज कॉल्ड एज सक्सेशन। किसी भी कम्युनिटी को, प्रत्येक कम्युनिटी का अपना डेवलपमेंटल हिस्ट्री होता है और इसे डेवलप करने का डायरेक्शनल चेंजेज का टाइम के अकॉर्डिंग डायरेक्शनल चेंजेज जो होते हैं उसी के रिजल्ट स्वरूप जो होता है कम्युनिटी फॉर्म होती है, और इसी डायरेक्शनल चेंजेज को जो है सक्सेशन कहते हैं। सक्सेशन मतलब किसी भी इकोसिस्टम का डेवलपमेंट, वो कहलाता है सक्सेशन। फिफ्थ है ट्रॉफिक स्ट्रक्चर यानी सेल्फ सफिशियंसी। कोई भी कम्युनिटी तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब उस कम्युनिटी में रहने वाले जो पॉपुलेशन है उनमें सेल्फ सफिशियंसी हो, यानी कि न्यूट्रिशनली जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक हो और वहाँ पर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स सभी पाए जाते हों। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, सेल्फ सफिशियंसी, न्यूट्रिशनली ईच कम्युनिटी ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफ्स एज वेल एज हेटरोट्रॉफ्स एग्जिस्ट एज ए सेल्फ सफिशियंट परफेक्टली बैलेंस्ड असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी कम्युनिटी को एग्जिस्ट करने के लिए वहाँ पर कुछ प्रोड्यूसर्स यानी कि जो स्वयं अपनी फूड की सिंथेसिस कर सकते हों ऐसे भी प्लांट्स का होना आवश्यक होता है। उसके साथ साथ वहाँ पर कुछ हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स, हेटरोट्रॉप्स भी होना चाहिए जिससे कि एक परफेक्ट बैलेंस उस कम्युनिटी में ऑर्गेनिजम्स का बना रहता है। जहाँ पर प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं और उसके उसको फीड करने वाले कुछ एनिमल्स कुछ होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं, और उनको डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में चेंज करने के लिए कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं। ये इस तरीके से किसी भी कम्युनिटी का एग्जिस्ट करने के लिए वहाँ का ट्रॉफिक स्ट्रक्चर सेल्फ सफिशियंसी का होना आवश्यक है ताकि उस कम्युनिटी में ऑर्गेनिजम्स का परफेक्टली बैलेंस बना रहे, तब वो कहलाता है पूरी तरह से एग्जिस्ट बायोटिक कम्युनिटी या प्लांट कम्युनिटी। एक अब इस तरह से कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी को एग्जिस्ट करने के लिए फाइव कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। पहला होता है
स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी वहाँ पर पाई जाने वाली पॉपुलेशंस के बीच में स्पीसीज की डाइवर्सिटी होना आवश्यक होता है। ये स्पीसीज डाइवर्सिटी दो तरह की हो सकती है, रीजनल डाइवर्सिटी एंड लोकल डाइवर्सिटी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। किसी भी कम्युनिटी को कंसिस्ट करने में मेजर ग्रोथ फॉर्म में जैसे ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, मॉसेस वगैरह होते हैं, और ये अलग अलग ग्रोथ फॉर्म जो हैं अलग अलग जो है कम्युनिटी के स्ट्रेटिफिकेशन या स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, जैसे कि जोनेशन, हॉरिजॉन्टल लेयरिंग एंड स्ट्रेटिफिकेशन, जैसे कि वर्टिकल लेयरिंग शो करते हैं। हर एक प्रत्येक कम्युनिटी में थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, प्रत्येक कम्युनिटी में वहाँ की कुछ स्पीसीज जो होती हैं डोमिनेंट स्पीसीज होती हैं, यानी पूरी कम्युनिटी को वही कंट्रोल करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं और गवर्न करती हैं, और ऐसी कम्युनिटी कहलाती हैं डोमिनेंट स्पीसीज जो होती हैं उस कम्युनिटी का गवर्न करती हैं, और ये गुण कम्युनिटी को एग्जिस्ट करने के लिए आवश्यक होता है। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर में फोर्थ होता है सक्सेशन। हर एक कम्युनिटी का, प्रत्येक कम्युनिटी का जो है अपना डेवलपमेंटल हिस्ट्री होता है, और उसके डेवलप करने के लिए डायरेक्शनल चेंजेज टाइम के अकॉर्डिंग होना आवश्यक होता है। इस डायरेक्शनल चेंजेज को ही सक्सेशन कहते हैं। और कोई भी कम्युनिटी एग्जिस्ट करने के लिए, स्टेबल बने रहने के लिए लगातार वहाँ पर सक्सेशन का होना आवश्यक होता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होता है, सेल्फ सफिशियंसी, यानी प्रत्येक कम्युनिटी में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए कि उसमें जो होता है न्यूट्रिशनली जो होता है उस कम्युनिटी में, न्यूट्रिशनली ईच कम्युनिटी में एक ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉप्स भी होना चाहिए, कुछ ग्रुप्स ऑटोट्रॉप्स के होने चाहिए, कुछ हेटरोट्रॉप्स के होने चाहिए, जिससे कि उस कम्युनिटी के सेल्फ सफिशियंसी बनी रहे और परफेक्टली किसी भी और उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में परफेक्टली बैलेंस्ड असेंबलिंग बनी रहे, जिससे कि वो कम्युनिटी स्टेबल रह सकती है, तभी एक कम्युनिटी अच्छे से एग्जिस्ट कर सकती है। कम्युनिटी टू टाइप्स की हो सकती है, ओपन और क्लोज्ड। एक कम्युनिटी में भी ओपन और क्लोज्ड। इन ओपन कम्युनिटीज ग्रोथ ऑफ क्वाइट अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, लिविंग बेयर एरियाज वेयर न्यू स्पीसीज मे अराइव एंड सेटिल। कोई भी कम्युनिटी जो होती है ओपन टाइप की हो सकती है या फिर क्लोज्ड कम्युनिटी हो सकती है। ओपन कम्युनिटी जो होती है वहाँ पर जो नए आने वाले, जो नए एरिया होते हैं, खाली एरिया होते हैं, वहाँ पर कुछ नए पॉपुलेशन या उनकी स्पीसीज ग्रोथ फॉर्म में कर सकती हैं और नई कम्युनिटी फॉर्म कर सकती हैं, उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकती हैं, और न्यू स्पीसीज वहाँ पर आ करके सेटल हो सकते हैं, अराइव एंड सेटल हो सकते हैं। इन क्लोज्ड प्लांट कम्युनिटीज द ग्रोथ इन डेंस विद लिटिल स्पेस। जो क्लोज कम्युनिटी होती है बहुत छोटे से एरिया में, छोटे से स्पेस में जो होता है वहाँ पर कम्युनिटी ऑर्गेनिजम्स या पॉपुलेशन की ग्रोथ जो होती है डेंस होती है, जिससे वहाँ किसी भी नए ऑर्गेनिजम्स के लिए वहाँ पर जगह नहीं होती है। द प्लांट्स ग्रोइंग इन डिजर्ट्स, ऑन रॉक्स, इन मार्सी प्लेसेस आल फॉर्म द डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज। ऐसे कम्युनिटी जो क्लोज टाइप की होती हैं, ये कम्युनिटी जैसे किसी रॉक्स के बीच में, मार्सी एरिया में, प्लेसेस में, या फिर डिजर्ट एरिया में ग्रो करती हैं ऐसी प्लांट कम्युनिटी, जो डिफरेंट प्लांट कम्युनिटी ऐसे डिजर्ट, रॉक्स, मार्सी प्लेसेस पर ग्रो करती हैं, इस टाइप की पर जहाँ पर कि किसी नए ऑर्गेनिजम्स के लिए जगह नहीं होती है, वो उस कम्युनिटी में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, इस तरह की कम्युनिटी क्लोज्ड प्लांट कम्युनिटीज कहलाती है। इन एनी पर्टिकुलर हैबिटेट
द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर यूनिफॉर्म एंड ओनली दोज प्लांट्स विल बी एसोसिएटेड टुगेदर दैट आर एडॉप्टेड टू द कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट. किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में एनवायरमेंटल कंडीशन में यूनिफॉर्मली वहाँ पर जो कुछ प्लांट्स जो होते हैं कुछ एडॉप्टेशन के साथ वहाँ उस वहाँ के जहाँ जिस एरिया में वो प्लांट्स पॉपुलेशंस या स्पीसीज ग्रो करती है उस एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को एडॉप्ट कर लेती है, वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशन को एडॉप्ट कर लेती है, तभी वो प्लांट्स कम्युनिटी वहाँ पर सर्वाइव कर पाती है. तो वहाँ के पर्टिकुलर हैबिटेट में एनवायरमेंटल कंडीशन के अनुसार यूनिफॉर्म एंड ओनली दोज प्लांट्स विल बी एसोसिएटेड, जो वहाँ पर उस एरिया के क्लाइमेट को एडॉप्ट कर ले और उस कंडीशन को एनवायरमेंटल कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन को एडॉप्ट कर ले वही प्लांट्स वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं और कम्युनिटी को एग्जिस्ट कर पाते हैं. जैसे हमने डार्विन लॉ भी पढ़ा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही जीवित रह सकता है जो वहाँ पर उसके ही रहने के योग्य होता है, तभी वो कम्युनिटी फॉर्म हो पाती है और स्टेबल रह पाती है. स्ट्रक्चर ऑफ ए कम्युनिटी, कम्युनिटी का स्ट्रक्चर में फर्स्ट पॉइंट है ए कलेक्शन ऑफ स्पीसीज लिविंग टुगेदर. कोई भी कम्युनिटी तभी फॉर्म होती है जब कई स्पीसीज वहाँ पर एक साथ रहते हैं. ए नेचुरल एंड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर इन द सेम एनवायरनमेंट इज नोन एज इन कम्युनिटी. जब किसी भी कम्युनिटी या किसी भी एरिया में एक निश्चित टाइम पर कई तरह के प्लांट्स एनिमल्स माइक्रोब्स एक सेम एनवायरनमेंट में जब रहते हैं तब उसे कम्युनिटी कहते हैं. इट इज़ ए बायोलॉजिकल यूनिट दैट इज सेल्फ सस्टेनिंग ओनली इफ द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड. और इस कम्युनिटी में जो होता है सनलाइट जो होती है रेडिएंट एनर्जी का स्रोत होता है जो कि एक समान सभी को सप्लाई होती है जो भी वहाँ पर पॉपुलेशंस की स्पीसीज वहाँ पर ग्रो करती हैं या एग्जिस्ट करती हैं. एक कम्युनिटी यूजेस दियर रेडिएंट एनर्जी टू एडजस्ट टू इट्स एनवायरनमेंट एंड टू रिप्रोड्यूस इट्सेल्फ. किसी भी कम्युनिटी में जो रेडिएंट एनर्जी है उसको यूज करके और एनवायरनमेंट और खुद को रिप्रोड्यूस करने की क्षमता जिसमें होती है वो और बहुत सारी स्पीसीज सेवरल स्पीसीज जो होती है वहाँ पर एक साथ रहती हैं. इट एडजस्ट टू द बिहेवियर ऑफ द स्पीसीज पॉपुलेशंस. ए कम्युनिटी लाइक द स्पीसीज दैट पॉपुलेट इट इज प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सेलेक्शन. द सर्वाइवल ऑफ ए कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन द सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज पॉपुलेशंस विद इन द होल सिस्टम. किसी भी कम्युनिटी में वहाँ पर कौन सी स्पीसीज सर्वाइव करेगी कौन सी नहीं करेगी उसके लिए नेचुरल सिलेक्शन होता है. जैसे कि डार्विन ने भी कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन यानी कि नेचर स्वयं सेलेक्ट करती है कि उस कम्युनिटी में जो भी वहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन को अडॉप्ट कर लेता है और वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है और जो उस कम्युनिटी में रहने के इंटीग्रेशन स्पीसीज पॉपुलेशंस के बीच में जो इंटीग्रेशन होता है सभी स्पीसीज पॉपुलेशन के बीच में और वो जो है सक्सेसफुली इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज पॉपुलेशन विद इन द होल सिस्टम वो वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज. इंडीड द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ कम्युनिटी इज सो लार्ज दैट वी नीड टू सिस्टम फॉर क्लासीफाइंग देम.
बहुत तरह की कम्युनिटी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। कुछ नंबर काइंड्स ऑफ कम्युनिटी जो होती है बहुत ही लार्ज होती है और क्लासिफाइड इनको इस सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। देम द मोस्ट जनरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज सिंपली टू डिवाइड कम्युनिटीज इनटू टू क्लासेस। और कहाँ की कम्युनिटी है उसके बेसिस पर, उस सिस्टम क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम कम्युनिटी को मेनली जनरली जो होता है टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, द एक्वाटिक कम्युनिटीज एंड द टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज। द कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन ओशियंस, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्वाम्प्स एंड स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक कम्युनिटीज। डिफरेंट टाइप की जो कम्युनिटीज होती हैं वहाँ पर किस टाइप का प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उन्हें किस जगह पे ग्रो कर रहे हैं, उसके बेसिस पर जो कम्युनिटी होती है इसको हम टू क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी। एक्वाटिक कम्युनिटी जो ऑर्गेनिजम्स की होती है जैसे कि ओशियंस में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, स्वाम्प में, स्प्रिंग्स में, जो भी कम्युनिटी या प्लांट एनिमल्स माइक्रोब्स जो भी पाए जाते हैं वो उस तरह की कम्युनिटी को हम एक्वाटिक कम्युनिटीज कह सकते हैं। द कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डिजर्ट्स एंड केव्स आर एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज। जो कम्युनिटी जो होती है फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डिजर्ट में, केव्स में, जिस तरह की प्लांट पॉपुलेशंस या स्पीसीज पाई जाती हैं वो कहलाती हैं टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी। ए फॉरेस्ट कम्युनिटी विल सर्व एज अवर एग्जाम्पल। एक फॉरेस्ट कम्युनिटी जो होता है टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। द प्रिंसिपल्स डैट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए फॉरेस्ट अप्लाई टू अदर कम्युनिटीज एज वेल एज ए पॉन्ड, ए लेक, ए केव, ए ग्रासलैंड आल हैव स्पेसिफिक फीचर्स। ये सभी कम्युनिटी जो टू टाइप्स की कम्युनिटी होती हैं, एक्वाटिक कम्युनिटीज एंड टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी, इन सभी में जो होता है उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, उनके फंक्शन के बेसिस पर जो होता है इन कम्युनिटीज को हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे किसी पॉन्ड की कम्युनिटी, किसी लेक की कम्युनिटी, किसी केव की कम्युनिटी, किसी भी ग्रासलैंड की कम्युनिटी, ये सभी जो होते हैं हर एक कम्युनिटी का अपना एक स्पेसिफिक फीचर होता है और वहाँ की उस एरिया की स्पेसिफिक टाइम पर जो कम्युनिटी फॉर्म होती है, कम्युनिटी एग्जिस्ट होती है, वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में बहुत सारी स्पीसीज का एक साथ होना और उनका एक साथ सर्वाइव करना, उनके बीच में इंट्रैक्शन होना, उस कम्युनिटी को जो होता है स्टेबल और एग्जिस्ट करने में हेल्प करता है, कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। सेकंड, साइज एंड नंबर। साइज एंड नंबर भी जो प्लांट कम्युनिटी होती है वहाँ पर, जो भी पॉपुलेशन या उनकी स्पीसीज होती हैं उनका साइज एंड नंबर जो होता है किसी भी कम्युनिटी को स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में जो होते हैं वो स्टडी करने में, उस कम्युनिटी की या स्ट्रक्चर डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। वी हैव बीन कंसर्न्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कम्युनिटी इन स्पेस। वी कैन फाइंड एन इंटायरली डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, हाउएवर इफ वी कंसीडर ओनली द नंबर एंड द साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन ए कम्युनिटी। इफ वी टेक ए सैम्पल ऑफ द ऑर्गेनिजम इन ए कम्युनिटी एंड ग्रुप देम अकॉर्डिंगली टू दियर साइज, वी डिस्कवर दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द बॉडी ऑफ साइज
ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. दिस मीन्स डैट देयर आर फ्यू लार्ज ऑर्गेनिजम्स एंड मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. यानी कि किसी भी कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डिफाइन करने में किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज एंड नंबर डिटरमाइन करता है उस कम्युनिटी का स्ट्रक्चर. ये कम्युनिटी, जैसे हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशन या ऑर्गेनिजम्स का नंबर एंड साइज जो होता है वही कम्युनिटी को फॉर्म करता है. हम कह सकते हैं कि जो नंबर और साइज एक दूसरे के इनवर्स रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिजम्स के नंबर एंड साइज में. यदि किसी ऑर्गेनिजम्स का साइज में वो लार्ज है तो उसकी नंबर जो होगा वो कम होगा. और कई ऑर्गेनिज्म जो होते हैं साइज में स्मॉल होते हैं पर नंबर में अधिक होते हैं. इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके साइज और नंबर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज और नंबर में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. यदि वो साइज में लार्ज साइज के होंगे तो उनकी संख्या कम होगी. यदि उनकी साइज में छोटे होंगे, स्मॉल साइज के होंगे, तब उनकी संख्या अधिक होगी. द प्रोसीजर फॉर डिस्कवरिंग दिस रिलेशनशिप इज क्वाइट सिंपल. इस द इन्वेस्टिगेटर स्क्रैप्स टुगेदर सेवरल किलोग्राम्स ऑफ द लीफ लिटर एंड डिब्रीज फाउंड ऑन द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट. व्हेन ही रिटर्न्स टू द लेबोरेटरी ही पुट्स ए किलोग्राम ऑफ द लिटर इन ए लार्ज फनल बिलो विच इज प्लेस्ड ऑन एन ओपन माउथेड बॉटल ऑफ एल्कोहल. एन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इज सस्पेंडेड अबव द फनल एंड अलाउड टू बर्न्स फॉर सेवरल डेज. एज द हीट फ्रॉम द लाइट स्लोली वार्म द लिटर द ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट डाउन द फनल एंड ड्रॉप इन टू द बॉटल ऑफ एल्कोहल. इट इज देन एन इजी मेथड टू ग्रुप द ऑर्गेनिजम्स बाई साइज एंड काउंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच साइज क्लास. इसको हम साइज एंड नंबर में इनवर्स रिलेशनशिप होता है ये देखने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. जैसे कि हम किसी भी फॉरेस्ट के फ्लोर से, वहाँ से लीफ लिटर्स डिब्रीजेज जो वहाँ के प्लांट्स के अवशेष होते हैं, लीफ होती हैं, उन्हें हम कलेक्ट करके लाते हैं और लेबोरेटरी में वहाँ पर किलोग्राम में लीटर को जो है ले लेते हैं और एक लार्ज साइज के फनल में उसको रख देते हैं. और उस फनल को हम किसी भी ओपन माउथेड बॉटल में, जिसमें कि अल्कोहल पहले से है, उसमें फनल को रख देते हैं जिसमें कि हम लीफ लिटर और डिब्रीजेज फनल के अंदर डाल देते हैं. और उस फनल को हम ओपन माउथेड बॉटल जिसमें कि अल्कोहल पहले से ही भरा हुआ है उसके ऊपर रख देते हैं. और लेबोरेटरी में हम इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब वहाँ पर फनल के ऊपर जो है जला देते हैं, जिससे कि जब वो बर्न होता है, कई दिनों तक जब वो बर्न होता है तो वहाँ पर हीट पा करके, और वो जो है हीट और लाइट पा करके वो वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे वहाँ से माइग्रेट करके फनल से जो है वो बॉटल में पड़े हुए अल्कोहल में गिर जाते हैं. और फिर उन्हें हम आसानी से जो अल्कोहल में गिरे हुए ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साइज को मेजर कर सकते हैं और साइज के अकॉर्डिंग उनका नंबर हम काउंट कर सकते हैं. प्रत्येक साइज के प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को हम वहाँ पर काउंट कर सकते हैं और इससे हम देख उसका एक ग्राफ बना सकते हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि जो साइज में लार्ज होंगे वो संख्या में कम होंगे और जो संख्या में कम होंगे वो संख्या में कम होंगे और जो साइज में छोटे होंगे वो संख्या में यानी कि नंबर में अधिक होंगे. इससे हम ये कर सकते हैं कि किसी भी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में वहाँ पर कम्युनिटी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म का साइज और नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है.
कम्युनिटी के स्ट्रक्चर डिफाइन करने में डोमिनेंट, उस कम्युनिटी में पाई जाने वाली डोमिनेंट स्पीसीज जो होती है मेन होती है, क्योंकि वही डोमिनेंट स्पीसीज इस पूरी कम्युनिटी को जो होती है गवर्न करती है या फिर कंट्रोलिंग पावर उसके पास होता है, वही उस कम्युनिटी को जो है इन्फ्लुएंस करती है। स्पीसीज पॉपुलेशंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट फॉर्म द फॉरेस्ट कम्युनिटी। वहाँ पर स्पीसीज पॉपुलेशंस जो पाई जाती हैं वो उस फॉरेस्ट कम्युनिटी को डिफाइन करती हैं। समटाइम्स जस्ट वन और टू स्पीसीज ए फॉरेस्ट कैन इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ द इंटायर फॉरेस्ट। किसी भी कम्युनिटी को एग्जिस्ट करने के लिए वहाँ पर कुछ डोमिनेंट स्पीसीज होती हैं जो उस कम्युनिटी को, उस कम्युनिटी का कंट्रोलिंग पावर उनके पास होता है और उस कम्युनिटी को वो इन्फ्लुएंस करती हैं, वो कहलाती हैं डोमिनेंट स्पीसीज, और वही पूरी इंटायर फॉरेस्ट कम्युनिटी को जो है इन्फ्लुएंस करती हैं, गवर्न करती हैं, कंट्रोलिंग पावर उनके पास होता है। दिस अकर्स व्हेन द इंडिविजुअल्स ऑफ दीज स्पीसीज आर आइदर सो लार्ज और सो न्यूमरस दैट दे मास्क द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स लिविंग देयर। वहाँ पर उसके अलावा और भी बहुत सारी स्पीसीज वहाँ पर लिविंग फॉर्म में होती है, प्रेजेंट होती हैं, पर वो उसके प्रभाव को, जो डोमिनेंट स्पीसीज होती है उसके प्रभाव को कम कर देती है, यानी कि उन सबके ऊपर डोमिनेंट जो होती है वो डोमिनेंट स्पीसीज ही होती हैं, वही उस पूरी कम्युनिटी को डिफाइन करती हैं और उन्हीं के नाम से वो कम्युनिटी जानी जाती है। स्पीसीज दैट एग्जर्ट सच एन इन्फ्लुएंस आर कॉल्ड द डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ द कम्युनिटी। और इस तरह की स्पीसीज जो उस कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करती है उसे डोमिनेंट स्पीसीज कम्युनिटी की कहा जाता है। द जनरल अपीयरेंस ऑफ द कम्युनिटी इज डिटरमाइंड बाई ओनली वन और टू वेरी कॉमन स्पीसीज ऑफ ट्रीज इन द बीचेज पाइन स्क्रब ऑक कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल द बीच पाइन एंड द स्क्रब ऑक आर द डोमिनेंट ट्रीज ऑफ द कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी में केवल एक या दो स्पीसीज ही वहाँ पर जो होती हैं डोमिनेंट होती हैं और वही जो है पूरी कम्युनिटी को डिटरमाइन करती हैं। जैसे पाइन फॉरेस्ट अगर हम कहते हैं तो वहाँ पर उस फॉरेस्ट में केवल पाइन ही उस पूरे कम्युनिटी को डिटरमाइन करती है, इन्फ्लुएंस करती है और कंट्रोल करती है, पूरी कम्युनिटी को गवर्न करती है। और डोमिनेंट ट्रीज जो होती हैं वो कहलाती हैं, जैसे वहाँ पे बीचेज पाइन स्क्रब्स वगैरह। द डोमिनेंट फॉर्म्स आर सो कॉन्स्पिकुअस दैट दे प्रोवाइड एन ईजी वे टू आइडेंटिफाई एंड नेम कम्युनिटीज। तो इस जो वहाँ पे डोमिनेंट फॉर्म होता है उसी के नाम से कम्युनिटी जानी जाती है, उस कम्युनिटी को हम उसी नाम से पहचानते हैं। तो इसलिए डोमिनेंट स्पीसीज कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी को एग्जिस्ट करने के लिए, स्टेबल रहने के लिए वहाँ पे कुछ डोमिनेंट स्पीसीज का होना आवश्यक होता है। वही डोमिनेंट स्पीसीज उस कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, डिटरमाइन करती है। इन द फॉरेस्ट डिस्क्राइब एवर ऑल द डोमिनेंट ट्रीज रिक्वायर मीडियम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, फॉर एग्जाम्पल मिजोफाइट्स। देयरफॉर दिस फॉरेस्ट हैज़ बीन नेम्ड द मिक्स्ड मिजोफाइटिक फॉरेस्ट कम्युनिटी। जैसे हम किसी कम्युनिटी में मिजोफाइट प्लांट्स बहुत अधिक हैं तो वो फॉरेस्ट जो है कहलाएगा मिजोफाइटिक फॉरेस्ट कम्युनिटी। ऑल्दो डोमिनेंट स्पीसीज इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर ऑफ ए कम्युनिटी, वो डोमिनेंट स्पीसीज जो होती है उस पूरी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करती है। ए कम्युनिटी इज मच मोर देन इट डोमिनेंट स्पीसीज। मोस्ट फॉरेस्ट कम्युनिटीज कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल दीज
interrelated to one another is very complex way. किसी भी फॉरेस्ट या किसी भी कम्युनिटी में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पर सर्वाइव करते हैं और उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप या इंट्रैक्शन के दौरान जो है वो कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में वो कम्युनिटी रन करती है। तो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में डोमिनेंट स्पीसीज का रोल इम्पॉर्टेंट होता है। फोर्थ, बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। अनदर एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज रिबिल्ड बाई द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। द पॉइंट एट विच टू डिफरेंट कम्युनिटी, ए ग्रासलैंड एंड ए फॉरेस्ट, मीट एंड कंप्लीट। ऑल बाउंड्रीज आर नॉट एज शार्प नॉर आर दे एज ईजली रिकॉग्नाइज्ड। Sometimes two communities grade into each other. Thus the boundary is quite wide. But the boundary between communities is real and it has distinctive feature of its own. In the boundary witch and golden rod are the two most common plant species. Neither of these plants develops as abundantly in either the grassland or the forest. Such distinctive features of the boundary arise in this way. The boundary zone between these two communities has conditions of temperature, moisture, light and wind intermediate to those in either the grassland or the forest. This condition favor the development of plants common of both communities, and so the boundary in the rich in grasses, herbs and shrubs. Boundaries of community, किसी भी community की boundaries define करने के लिए हम वहाँ पर जो vegetation है उसको देखते हैं। जैसे grassland की community अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर कुछ herbs होंगे, कुछ श्रब्स होंगे और रेयरली ट्रीज होंगे। और अगर हम फॉरेस्ट की कम्युनिटी देखते हैं तो वहाँ पर छोटे हर्ब्स से लेकर के कुछ लार्ज हर्ब होंगे, कुछ श्रब्स टाइप के होंगे, लेकिन वहाँ पर डोमिनेंट स्पीसीज जो होंगी वो ट्रीज की होंगी जो कि टाल ट्री होंगे। तो दोनों कम्युनिटी में जो बाउंड्रीज है, कम्युनिटी की बाउंड्रीज जो है, ग्रासलैंड की कम्युनिटी में मैक्सिमम प्लांट्स श्रब्स तक होते हैं, बट फॉरेस्ट कम्युनिटी में जो प्लांट्स होते हैं श्रब्स से लेकर के ट्रीज तक की वहाँ पर बाउंड्रीज कम्युनिटी की पाई जा सकती है। तो इन दोनों कम्युनिटी को हम आसानी से जो है अलग अलग पहचान सकते हैं। ये दोनों कम्युनिटी की जो बाउंड्री है, यानी कि ग्रासलैंड की कम्युनिटी जिसमें ग्रासेस, हर्ब्स, श्रब्स वगैरह तक पाए जाते हैं, और फॉरेस्ट की कम्युनिटी जहाँ पर की श्रब्स और ट्रीज मैक्सिमम पाए जाते हैं, वो वहाँ के फेवरेबल कंडीशन पर, वहाँ के टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, विंड, इस पर डिपेंड होते हैं कि उस कम्युनिटी में किसने तक के किस ग्रोथ फॉर्म तक के प्लांट्स वहाँ पर पाए जाए जाएंगे और वो उस कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। इस तरह स्ट्रक्चर डिफाइन करने में, कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डिफाइन करने में, पॉपुलेशन की स्पीसीज और उस वहाँ पर पॉपुलेशन जो है उनकी साइज एंड नंबर और उस कम्युनिटी में पाए जाने वाले डोमिनेंट स्पीसीज और कम्युनिटी में वेजिटेशन का ग्रोथ फॉर्म, ये किसी भी कम्युनिटी का स्ट्रक्चर डिफाइन करने में मेन रोल प्ले करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।